पटना में नगर निगम और सरकार के लाख दावों के बावजूद भी मानसून की बारिश ने सारे दावों की पोल खोल दी है। राजधानी के कई इलाकों में जलजमाव हुआ है और यह बात बताने के लिए काफी है कि सरकार के काम हो कहां रहे हैं। बताया जाता है कि राजधानी पटना में कई वीआईपी एरिया के अलावे मंत्री आवास भी जलमग्न है। विपक्षी पार्टी राजद ने राजधानी में हुए जल जमाव को लेकर सरकार पर फिर से हमला बोला है। सरकार के खिलाफ आज फिर से अनोखा प्रदर्शन किया गया। आयकर गोलंबर चौराहा पर कलश यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आरजेडी नेता ने यह बताया कि सरकार के पास जल जमाव का कोई समाधान नहीं है। पटना में एनडीए के विधायक हैं और फिर भी सरकार का सिस्टम और सरकार खुद भी फेल है। ये जो हम लोग अभी जो देव रूपी जो इनका बैनर लेके पोस्टर का जो निकले हैं, मेरा मकसद, हम जनता का मकसद सिर्फ एक ही है। ये जो सरकार है 15 साल से जनता ने चुना, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने विधायक बनाया, जनता ने मंत्री बना। अब ये मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी इनसे जल समस्या पटना का दूर नहीं हो रहा। पटना में 4-4 विधायक हैं एनडीए के, सरकार के 4-4 विधायक हैं, मगर एक भी, चाहे कुम्हरार विधानसभा हो या पटना साहिब का इलाका हो या आपको दिग्घा हो या आपका बाकीपुर हो, नितिन नवीन जी से लेकर नंदकिशोर बाबू से लेकर संजीव चौरसिया जी से लेकर यहाँ तक कि नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा जी से, तो सोच लीजिए कि ये स्थिति है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एनएमसीएच में पानी है, हाई कोर्ट में पानी है, लोग के आने जाने में, लोग के मोटरसाइकिल के माध्यम से गिर जा रहे हैं, फोर व्हीलर फंस रहा है, बच्चा लोग घर से निकलता नहीं है डर से। हम चाहते हैं कि ये सरकार अब अपने आप को भगवान मान लिया है, ये अपने आप को भगवान समझते हैं, मुख्यमंत्री बना दिए हम लोग, फिर भी इनको संतुष्टि नहीं है। इनको कहना है कि मैं स्वयं शंभु ईश्वर हूँ, नीतीश कुमार भगवान है, नितिन नवीन जी भगवान है, सुशील मोदी जी भगवान है, संजीव चौरसिया जी भगवान है, अरुण कुमार सिन्हा जी भगवान है, नंदकिशोर बाबू तक भगवान है, और सभी भगवानों का मुख्य रूप से जो मेन भगवान है माननीय नीतीश कुमार जी है। आज उन्हीं का पोस्टर हम बनवाए हैं भगवान रूप में, देव रूप में। और इस चीज से मैं जनता और आप लोग के बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे, मैं जनता को, अगर आपको भगवान भी मानना पड़ेगा तो मैं मानूंगा आप पर। मैं जलाभिषेक करके, जल धार करके मैं आपसे विनती और आपसे आग्रह करता हूँ कि हे प्रभु श्री नीतीश कुमार जी, हे भगवान श्री नंदकिशोर बाबू, हे भगवान सुरेश शर्मा जी, हम जानमानस जो पटना में, जो नरक में रह रहे हैं, इस नरक से निकालने का हमें कष्ट करें, आपसे बार बार मैं विनती करता हूँ। उधर प्रधानमंत्री के भोजपुरी ट्वीट को लेकर हम पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर दानिश रिजवान ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आता है तब उन्हें भोजपुरी की याद आती है। अगर मोदी को भोजपुरी भाषा में प्यार है तो भोजपुरी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। जब चुनाव आवेला तो नरेंद्र मोदी जी के भोजपुरी, बिहारी, भोजपुरी चोखाई सबके याद आवेला। आज उनका एगो ट्वीट देखनी है कि भोजपुरी में बोरत रहले कि कोरोना से कैसे बचे के बाद सरकार का करोतिया। अरे मोदी जी, भोजपुरी इतना रहुआ दिल दिमाग में छाइल बा तो कम से कम भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल तो करा दी, काहे के फजीहत कराओ तो नहीं अपन। अरे जब जब चुनाव आवेला तो नौटंकी मत करी। अगर भोजपुरी से प्यार मोहब्बत करीला तनिक सा भी भोजपुरी के प्रति रहुआ संवेदनशील बनी तो भोजपुरी के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराई। डरामा मत करी, बिहार और देश के जनता राउ डरामा से तंग हो गई बा। अब राउ डरामा ओवर डोज में जाता, अपना आपके सुधारी।